नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी काफी भारी मात्रा में हो रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि धौलपुर में 200 में से 18 ईवीएम खराब हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसकी जांच नहीं करवा रहा है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के भिंड में ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को ही जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन सब के पीछे कहीं चुनाव आयोग का ही तो हाथ नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10% मशीनों में खराबी है, सिर्फ ईवीएम बदलने से समाधान नहीं निकलेगा। नए सॉफ्टवेयर से ऐसी गड़बड़ी हो रही है, बटन दबाने पर लाइट तो जलती है लेकिन पर्ची बीजेपी की ही निकल रही है। केजरीवाल बोले कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन गया है, जो बीजेपी के सत्ता तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है।